गाइस, मैं हूं अमित और आपका स्वागत है द इंडियन अनबॉक्सर की क्रेजी दुनिया में। और गाइस, आज हम आपके लिए एक और क्रेजी टॉय लेकर के आ चुके हैं, जो कि है यहां पर। गाइस, ये जो है नर्फ गन्स है। साइज देखो यार, कितना बड़ा है भाई साहब, कितनी बड़ी बड़ी यहां पर गन्स है। मुझे खड़ा ही होना पड़ गया इनको दिखाने के लिए। और ये जो है एक्चुअली में एक टॉय है, लेकिन बहुत ही मजेदार है। और एक में जो है मेरा दिल नहीं भरा, इसलिए गाइस मैं दो लेकर के आ गया। आप लोग देख सकते हो किस तरीके के ये जो है। और अच्छी बात ये है गाइस कि ये जो है ना बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इसकी मदद से जो है खेला भी जा सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि किसी के आंख वाँख में ना लग जाए, बाकी बड़ी मजेदार चीज है। तो आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं कैसे काम करती है, कितना मजा आता है। फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे ऐप के बारे में जो कि आपको बहुत काम आ सकता है, जो कि है बिनोमो। गाइस, बिनोमो एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको फोरकास्ट करना होता है कि किसी कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और अगर आप सही फोरकास्ट करते हैं तो आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों, बिनोमो एक कंप्लीटली लीगल ऐप है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप स्क्रीन पर दिए गए प्रोमो कोड को यूज़ करेंगे तो आपको आपके डिपॉजिट के ऊपर डबल अमाउंट मिलेगा, यानी कि अगर आप 400 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो आपको 800 रुपये मिलेंगे। मैंने यहाँ पर 500 रुपये का फोरकास्ट किया और मुझे लगता है कि जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर मैं अप पे क्लिक कर रहा हूँ और अब हमें वेट करना है। गाइज, मेरा फोरकास्ट सही था और यहाँ पर मुझे 700 रुपये मिल गए हैं। और इस अमाउंट को बहुत इजीली 24 घंटे के अंदर अपने पेटीएम या फिर बैंक में विड्रॉ किया जा सकता है। और सबसे खास बात यह है कि इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपये है। गाइज, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चेकआउट करने पर आपको मिलेंगे 65,000 रुपीज़ अपने डेमो अकाउंट में, जिससे आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज ट्राई कर सकते हैं। गाइज, 2 मिलियन से ज्यादा लोग बिनोमो ट्राई कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट चेकआउट कर लीजिए। और हम बढ़ते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। गाइज, ये जो नर्फ गन्स है ये मैंने दी है ऑफलाइन स्टोर से, और ये मुझे पड़ी है 1299 रुपए की, यानी कि लगभग 1300 की। और ये पड़ी है 3399 की, यानी कि लगभग 4000 रुपए की। और मुझे गाइस इस पे कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, तो ये जो है ना एमआरपी पे ही मुझे जो है मिली है। तो अब बढ़ते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। दोनों हैं, ये वाली छोटी है तो इसलिए सस्ती है, ये वाली बड़ी है, बहुत बड़ी है भाई। तो जो है शुरुआत करेंगे छोटी के साथ में, बड़ी को जो है अभी के लिए साइड में रखते हैं। और गाइस, आप लोग देखो, सबसे पहले तो देखने में कितनी तगड़ी लग रही है ना, है ना। जो पहले यार बचपन में हम लोग खरीद के लाते थे, वो मेले वाली जो बंदूक होती थी ना, वो हालांकि 20-30 रुपये की मिलती थी, उसमें छोटी छोटी गोली भी डलती थी। कितने लोग लाए हैं गाइस, सही सही नीचे कमेंट्स में बताना, कितने लोगों ने अपने बचपन में वो जो मेले में जो बंदूक मिलती थी, जिसमें कईयों में गोली डलती थी, कईयों में टोंग की आवाज़ आती थी, बहुत चीज़ें होती थी, तो वो किस किस ने यूज़ करी, किस किस ने खरीदे, कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और हम तो जो अपनी अनबॉक्सिंग तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो गन है, कुछ कुछ मतलब मुझे वो याद आ गया, वो वाला जो फील था कि मेले में जाते थे, खरीद के लाएंगे, अपने पास 100-150 रुपये बजट होता था, उसमें जो है सारी चीज़ों को अरेंज करना कि एक बंदूक लेनी है, झूला झूलना, ये करना वो करना, तो ऐसा ही कुछ ये चीज़ है। बहुत दिन बाद मेरे हाथ में आई है, लेकिन ये उससे कहीं अच्छी क्वालिटी की है और बड़ी भी है साइज़ में और महंगी भी है ऊपर से। तो अगर बॉक्स की बात करें गाइस, तो नर्फ लिखा हुआ है क्योंकि नर्फ गन है, और यहाँ पे लिखा हुआ एलाइट 2.0 कमांडर RD6। नाम तो इतना खतरनाक है कि देख के बंदा डर जाए, लेकिन डरने की बात नहीं है, बच्चों के लिए ही है। और इस पर एज और होगा कि कितने, हाँ 8+, 8 साल से छोटे बच्चे जो है इसको यूज़ ना करें, 8 साल से बड़े यानी कि 9, 10, 20, 50, 100 साल तक के बच्चे जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। 8 से छोटे मत करना, क्योंकि अच्छा हमको सिखा दिया है, इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उससे उनको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर जो बुद्धि होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब वो तो किसी भी चीज़ को उनको तोड़ना मोड़ना खाना ये कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। चलो गाइस, अब फटाफट से इसको इस डब्बे में से निकालते हैं, पीछे की साइड में जो गन बनी हुई है। ये गाइस, यहाँ पर जो नर्फ गन है वो बाहर आ चुकी है, और इसके अंदर शायद इसकी बुलेट्स और होनी चाहिए, आई एम नॉट श्योर कि अंदर एक बना हुआ तो है जगह। बिल्कुल 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 गाइस, ये है इसकी बुलेट्स, इसके अलावा डब्बे में कुछ नहीं है। डब्बा रखते हैं साइड में, कोई मैनुअल तो आया है नहीं, कोई बात नहीं, डब्बे पे लिखा था कि 8 से छोटे वाले को यूज़ नहीं करनी। इस पन्नी के अंदर ये है गाइस डार्ट्स, इनको जो है आप गोली बोल सकते हो, इनको डार्ट्स बोल सकते हो, ये जो है नर्फ डार्ट्स है। और बेसिकली गाइस ये जो है ना बहुत ही लाइट वेट है, ये जो है फोम बिल्कुल जो हल्का, जो देखो मैं अगर इसको गिराऊं भी गाना तो ये धीरे धीरे गिरता है, जैसे रुई गिरती है ना, ये वो वाली चीज़ है। इसमें बिल्कुल वजन नहीं है, बिल्कुल भी वेट नहीं है,
लेकिन जो सामने का हिस्सा है ये थोड़ा रबरी है और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वेट है, क्योंकि जब बुलेट जाएगी तो उसको बैलेंस करने के लिए यार एक हैवी चीज़ चाहिए होती है, जैसे बैडमिंटन के अंदर जो शटल होती है उसके अंदर होता है, शटल में एक हिस्सा भारी होता है एक हिस्सा हल्का होता है, तो यहाँ पर ये हिस्सा थोड़ा हैवी है ये थोड़ा सा जो है लाइट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत भारी है, ये भी हल्का ही है। देखो तो इसके अंदर कितने बुलेट्स आई हैं, दो चार दो छह दो आठ दो दस और ग्यारह, एक नीचे गिर गया यानी कि 12 इसमें डार्ट्स आए हैं, इनको आप बुलेट्स भी कह सकते हैं। और ये है गाइस गन, ये है गन, पकड़ करके फील आ रही है गाइस, तगड़ी वाली है ना, देखने में तो लग रहा है कमांडर लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पे देखो इधर पे नॉर्मल, इधर पे व्हाइट में कमांडर लिखा हुआ है, इधर इलाइट लिखा हुआ है, जो जो चीजें बॉक्स पे लिखी थी वो सब कुछ तो जो है इन्होंने लिख दी है। अब सही बात बताऊं तो मैंने भी आज तक इस गन को कभी यूज किया है नहीं, तो आज मैं भी आपके सामने इसको यूज करने वाला हूं। यहां पर कुछ ऐसा है कि इसको, अरे हैं ये तो चल गई गाइस देखो ये मैंने खींचा, ये लोड हो गई और ये चल गई, लेकिन कुछ निकला नहीं क्योंकि इसमें गोली थी नहीं। तो गाइस देखते हैं कि ये लोड कैसे होता है, ये जो नर्फ है, ये जो डार्ट्स हैं सॉरी, ये इसमें डलेंगे, कहां डलेंगे यार, ये गिरा क्या, गिरा, क्वालिटी तो बढ़िया है पर निकलेगा कैसे इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसमें से सीधा ही जो बुलेट है वो कुछ इस तरीके से इसमें डल सकती है। ये देखो ये डल गया गाइस, क्या बात है, इसको डाल डाल के लोड कर सकते हैं, यहां पर मैं एक ऑरेंज डाल रहा हूं, फिर ब्लू, फिर एक ऑरेंज, फिर एक ब्लू, अरे यार इतना इजी था क्या भाई, अरे वाह, मैंने सोचा कि पता नहीं कैसे लोड होगा। यहां पर जो 6 गोलियां हैं वो इसमें लोड हो चुकी है, तो गाइस आप खींचते हैं इस घोड़े को और दबाते हैं ट्रिगर को और देखते हैं क्या होता है। ओ अरे बाबा, वाओ, वो बहुत दूर गया वो गाइस एक बार फिर से करता हूँ लोड और चलाता हूँ इसको कैमरे पे, कैमरामैन थोड़ा सदमे में है, लेकिन ये देखो, अबे ओए तू देख के नहीं चला सकता क्या, लेकिन गाइस आप लोग ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, आप डरे तो नहीं ना गाइस, मैं जो है कैमरा में मार रहा था ठीक है। अब देखो इसको इधर चलाता हूँ मैं और आप देखना कि बुलेट कहाँ जाएगी, देखना, चलो खड़ा होकर चलाते हैं, फील लेके लोड करते हैं पहले, तो ये हो गया लोड और ये गया, वो देखो वो गया, वो गया, वाओ उस बाउंड्री से भी बाहर चला गया। गाइस यार ये तो मस्त चीज है, और इसको जो है अभी इसमें 3 बुलेट्स हैं, मैं इसको दाएं दाएं करके चलाना चाहता हूँ, फटाफट जो है चलता है या नहीं। गाइस यार चीज तो मजेदार थी, कुछ इस तरीके से लोड जाती है, ठीक है, हाँ किसको लगी है, हवा में आगे लगी है देना मतलब चोट थोड़ी ना लगती है इससे, अरे हम तो ऐसे चला रहे थे, हम तो इसको ट्राई कर रहे थे गाइस, ये जो है नीचे लागे लगी है मतलब ऐसे गिरी होगी, लेकिन इसका लगता नहीं, पर सोचा हुआ ये कहाँ से क्या आ गया क्या चीज है ऐसे चीज मजेदार है। चलो इधर आओ एक बार, यहाँ पे आना, यहाँ पे लाइव डेमो होने वाला है गाइस, देखो अब चलो एक रियल में चलाते हैं, आंख पे नहीं चलाना ये ध्यान रखना, ये जरूरी है ठीक है, तेरा क्या होगा कालिया गाइस आखिरी गोली है इसमें, तो अब आते हैं बड़े वाले की अनबॉक्सिंग पे, जो बॉक्स था इसके ऊपर बहुत सारी गोलियां तो यहाँ पर है, बहुत सारे डार्ट्स यहाँ पर हैं, और यहाँ 3-3 का जो है कुछ बैरल टाइप में है, या इसको पता नहीं क्या बोलते हैं गाइस, इसमें गोली डलती है, शेल बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, तो इसको निकालते हैं बाहर। ये आ गई बड़ी वाली नर्फ गन हमारे सामने, क्या बात है, ओ वॉइस ऑफ फील तो इसमें आ रहा है, पकड़ने का भी है नीचे और ये लोड करने का भी है, और ये जो सारी गन्स है ना स्प्रिंग मैकेनिज्म पे चलती है, यानी कि स्प्रिंग जो है उनकी एनर्जी से ये गन चलती है, और देखो साउंड देखना इसका, क्या बात है, इतना तेज साउंड आ रही है, इतना तेज आवाज आ रही है कि जैसे असली ही गन ही लोड हो रही हो, देखो साइज देखो भाई साहब, तो रखते हैं साइड में, और ये चीज है प्लास्टिक की, ये है 4, 1, 5, सबसे कमाल की चीज है इसको लोड करना, हर एक के अंदर जो है 3-3 लोड होंगी, क्या बात है, जैसे असली के बंदूक में गोलियां भर रहे हो वैसा फील देने की कोशिश है यहाँ पे, क्या बात है गाइस। अगर और अलग तरीके की नर्फ गन्स चाहिए, जैसे ये 2 हैं और अलग अलग मैकेनिज्म की आती हैं सारी, अगर और चाहिए हो तो बता देना नीचे कमेंट्स में, तो हम जो है और भी लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर सारे के सारे जो है लोड हो चुके हैं, लेकिन अब इनको लगाना है गन में, और यहाँ पर है एक प्रॉपर स्पेस इनको लगाने के लिए, तो भाई ये कैसे लगेगा, और यहाँ पर
सारे के सारे लोड हो चुके हैं। मुझे नहीं पता इसको इसमें लगाना पड़ेगा या अपने आप हो जाएगा, आई डोंट नो। ये ऊपर से खुलता है जब इसको खींचते हैं, तो देखो चलो देखते हैं गाइस। ये मैंने खींचा है, ये तो कुछ भी नहीं हुआ गाइस। शायद इसमें से इसको निकालना पड़ेगा और इसके अंदर डालना पड़ेगा आई थिंक। इसको डालने के लिए इसको पूरा खींचना पड़ेगा यहाँ तक, अब समझ में आया। और गाइस यहाँ पर ये डल चुकी है और ये मैंने किया, ये हो गई है लोड। सामने से देखो, ओ शिट कितना चौड़ा इसका होल है, मैंने तो अब देखा। और इसमें तीनों जो डार्ट्स हैं वो दिख रहे हैं, ये एक में तीनों फायर तो नहीं करेगा कहीं। चलो गाइस करके देखते हैं एक बार ज़रा, इसी पे करते हैं नीचे ही। भाई साहब तीनों एक साथ मार दिए, तीनों खा लिए यहाँ पे। और अगला डालने के लिए ऐसे खींचो, अगला लो, इसको डालो, बंद करो और फिर से तीन फायर, ये लो। गाइस मैंने जानबूझ के जो है कैमरा में नहीं मारा, लेकिन इस बार मारेंगे। ऐसे करो, वो निकल गया, किधर से निकल गया। चलो ठीक है, फिर से डाला बंद। कैमरामैन पहले ऐसे कर ले रहा है उसको रोकने का। ये हुआ गाइस लोड, इस बार मारूंगा। कैमरा में आंख बंद कर लेना भाई। ये लो गाइस, इसकी तो रफ्तार भी उससे शानदार है, क्या बात है। इसको खोलो, अरे अपने आप निकल के भागता है, उसको निकालना नहीं पड़ता, खींचते ही इधर से भागता है वो। गाइस अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये लो, इसको पहले तो पूरा खींच के इसमें लोड करो, बंद करो। अब देखना गोलियां कहाँ तक जाएंगी। ठीक है, मार रहा हूँ भाई। ये लो देखो, वो तीनों गई। और अब निकलने का तरीका देखना गाइस, इसको खींचूंगा ना, ये देखो जैसे असली गन में होता है वैसे निकल के भागता है। इसको डालते हैं फिर से, लास्ट है हमारा। तो गाइस इसको भी जो है मार लेते हैं, जरा आसमान में मारते हैं, फिर देखते हैं कितने देर में आता है। ये मैंने मारा, वाओ क्या बात है। अब जाकर ये जो बुलेट्स है वो नीचे गिरी हैं, तो वापस इसको निकालने के लिए ये जैसा असली गन में निकलता है ना, यहाँ से निकल के गिरता है। और देखना जब मैं इसको वापस करूँगा तो ये खुलेगा, ये खुला। भाई साहब चीज मस्त, तो दूसरी वाली देना। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा इन नर्फ गन की अनबॉक्सिंग देख करके। और गाइज देखो दोनों के साइज में बड़ा ही फर्क है, लेकिन कहीं ना कहीं यार ये वाली भी अच्छी है, क्योंकि हाथ में हैंडी आ जाती है, एक एक मारती है और छह बार मारती है गोली। ये वाली जो है एक बार में तीन मांगती है, उठा करके लोड करना पड़ता है। तो कुछ फायदे इसमें हैं, कुछ फायदे इसमें हैं। ये जो है एक साथ एक ही मार पाती है, लेकिन ये तीन मारती है, बट एक बार जैसे तीन मारे निकालती बड़ी शानदार से खाली शैल को, लेकिन फिर दोबारा से इसको जिस तरीके से करके लोड करना पड़ता है और फिर जो है ये वापस से लोड होता है। लेकिन मारना देखो वाओ। अगर आपको और ऐसी नर्फ गन चाहिए जो कि अलग तरीके से चलती है, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें भर देना गाइस, जरूर से जो है दूसरा अनबॉक्सिंग वीडियो भी बना देंगे, क्योंकि मुझे खुद को मजा आया इस चीज़ के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच।